एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोपहर का हो गया है वक्त और अभी करीब 1:30 बज रहे हैं। मैं अपने एक वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और एक वीडियो मैंने शूट भी किया था, जो मतलब कोलैब वाले वीडियो होते हैं ना, तो कुछ सामान आया था तो बस उसी का वीडियो मैं शूट कर रही थी। और शूट वगैरह करने के टाइम पर देखिए कुछ इस तरीके से रूम की जो है हालत होती है, तो सारी चीज़ें फैली हुई है। तो ये काम जो है मैंने वंशिका को दे दिया है समेटने के लिए। अच्छा, वंशिका आज स्कूल नहीं गई क्योंकि सुबह वंशिका उठी तो उसको ना वीकनेस लग रही थी थोड़ी सी, तो उसने बोला मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, मुझे वीकनेस ही हो रही है। तो मैंने फिर उसको कहा ठीक है तू घर में जो है रेस्ट कर अपना। तो रेस्ट तो उसने कर लिया है, अभी तो वो थोड़ी सी ठीक भी फील कर रही है, लेकिन उसको मैंने बोला है कि अब तू ना जितनी भी चीज़ें हैं ना वो समेट ले। अच्छा, यहाँ पर ना ये पता क्या देख रही थी, रक्षाबंधन आने वाला है तो मैंने स्कूल ड्रेस ऑर्डर कराई है रक्षाबंधन के लिए। क्या ऑर्डर कराई है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये मैडम जी अपना बॉक्स निकाल के चेक कर रही थी कि मैं क्या पहनूंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना इसको इसकी मौसी ने दी हुई है, शिल्पी ने, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये सब जो है ना ये फैला के बैठी हुई है, इसकी मौसी ने इसको ये सारी चीज़ें दी थी। तो ये ना क्या बोलते हैं इसको, टॉप्स। तो ये सब इसकी मौसी लेकर आई थी इसके लिए, ये हाँ फैशन टॉप्स। अच्छा, फैशन टॉप्स लिखा है इसमें, लेकिन ये पहनती तो नहीं है क्योंकि इसने गोल्ड के डाले हुए हैं। लेकिन वही होता है ना, लड़कियों को कभी कभी शौक चढ़ता है। और ये क्लिप्स वगैरह दिए थे, ये कुछ गले में पहनने के लिए दिया था, ये और ये नहीं वंशु, ये वाला मैच करेगा, ये वाला है ना तेरी ड्रेस में, ये वाला इसको ही पहनना, ठीक है। ये देखिए, तो ये अभी समेट के रख लेगी क्यों। तो वंशिका ने सोच लिया है सारी चीज़ें कि उसको उस दिन क्या पहननी है। तो बहनों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता ही है ना। और ये देखो, ये भी इतना खूबसूरत है। शिल्पी ने उसको बहुत सारी चीज़ें दी है, आधी तो इसने खो दी होंगी, इसमें से आधी बची है। और ये मेरा सामान जिसकी मैंने अभी वीडियो शूट की है। हाँ, बहुत पहले दिया था, हाँ वो खो गई, बाकी जो उसके बाद दी है वो सारी है। अच्छा, और हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने अपने लिए अमेजोन से ये पाउच मंगवाए थे। वंशिका वो वाला पे निकालना जो दो और हैं इस तरीके के ना, मैंने ये मेकअप वाले पाउच मंगवाए थे यार, ये इतने अच्छे हैं ना, मतलब ये मैंने 3 का सेट मंगवाया था। तो इधर दिखा, ये और ये 3 का सेट था। तो ये बड़े वाले में भी आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं, कहीं ट्रैवल वगैरह करना हो ना तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। और ये इसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। और ये तो ये ना स्वाति के पास से हमारे यहाँ, उसका पिंक कलर का है ना कि ब्लैक, अच्छा उसका ब्लैक कलर का है, तो मैंने ये वाले जो है ना ऑर्डर कराए थे। और ये बहुत सस्ते हैं, आई थिंक 300 रुपीज़ के हैं ये, लेकिन ये हैं बहुत अच्छे, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये ना आराम से धुल भी जाते हैं, आप इनके लिए कपड़े से पोंछ दोगे तो ये अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाएंगे। तो अगर आपको भी मंगवाने हैं ना तो आप इस तरीके के मंगवा लेना, इसके आगे लिखा भी है वॉश बैग। चल समेट दे अब इनको, ठीक है। बस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो खाना नहीं बनाया मैंने, उसके बाद जो है विदांश को लाने का भी टाइम हो जाएगा, तो बस फिर जो उसको लेने के लिए जाऊंगी। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और मैंने खाना भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं बनाऊंगी क्या। मैं अभी, मुझे पता लास्ट में खिचड़ी बनाऊंगी। ये तो खुश रहती है खिचड़ी खा के, लेकिन वो है ना वो रोएगा, वो कहेगा मुझे नहीं खानी खिचड़ी। तो एक काम करो, अरहर की दाल और चावल बना लो। हाँ, अरहर की दाल और चावल, चल देखते हैं। हाँ ये ठीक है, शॉर्टकट में बन भी जाएगा है ना फटाफट से। चलिए फिर फटाफट से दाल और चावल बनाती हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कर लेते हैं लंच बनाने की तैयारी। तो जैसे कि वंशिका ने मुझे बहुत इजी सा खाना बनाने के लिए बोल दिया था, और वैसे भी जब आपको बहुत ज़्यादा जो है लेट हो जाता है ना खाना बनाने में, तो फिर सबसे ज़्यादा जो इजी चीज़ नज़र आती है वो अरहर की दाल और चावल ही आती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो चावल चढ़ा दूँगी, तो एक गैस में जो है फटाफट से चावल बन जाएंगे, एक गैस पे फटाफट से दाल बन जाएगी। और दाल भी बनेगी आज जो शॉर्टकट वाली दाल होती है ना, जिसमें सारी चीज़ें उसी टाइम पे डाल देते हैं और बस फिर हींग जीरे और घी का तड़का लगा देते हैं, तो वो सिंपल सी दाल जो है बनके तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद ना हमने थोड़ा सा रायता भी बनाया था, क्योंकि इस वाली दाल के साथ जो रायता होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली खीरे का रायता। तो वो रायता बनाने का जो काम है वो मैंने वंशिका को दिया था कि रायता वंशु बना देगी, क्योंकि मुझे ना जल्दी से फिर विदांश को लेने भी जाना था। और यहाँ पर देखिए मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, और अरहर की दाल के साथ मैं थोड़ी सी मूँग की दाल ज़रूर मिलाती हूँ,
जो धुली हुई मूंग की दाल होती है वो, उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसके साथ ही जो दाल का टेक्सचर होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप भी ज़रूर ऐड करना। सारी चीज़ें जो है मैंने डाल दी हैं इसी में, और बस रख दिया है दाल को बॉईल होने के लिए। उसके बाद मैं रूम पे आई थी, इतना टाइम था मेरे पास कि मैं ये जो कपड़े हैं थोड़े से इनको फोल्ड कर लूँ। थोड़े से कपड़े प्रेस के थे तो उनको भी मैं अलग निकाल के रख दूँगी, और अब मैं प्रेस जो है वो घर पर ही किया करूँगी। कुछ टाइम से मेरी प्रेस जो है ना वो ख़राब हो गई थी, तो बस अभी मैंने न्यू प्रेस भी मंगा ली है। तो ये था कि अब चलो अब न्यू प्रेस आ गई है तो अब मुझे जो है कपड़े बाहर नहीं देने पड़ेंगे, मैं घर पे ही इजीली कर लूँगी। हेलो एवरीवन, तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अमेज़ॉन पे ना द ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है ना वो जो है शुरू हो गई है, तो जल्दी जल्दी जाइए और सेल का लाभ उठाइए, क्योंकि जब सेल चलती है ना तो आपको आपको जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना उसमें एक से एक ऑफर जो है ना वो मिलते हैं, तो ब्रांड की चीज़ों पर भी बहुत अच्छे ऑफर मिल जाते हैं। तो सेल को देखते हुए मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी, तो चलिए आपके साथ जो है ना मैं शेयर कर दी हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आप लोग पूछते हैं दीदी ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो मैंने सबके लिंक जो है ना वो दे दिए हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी चीज़ आपको पसंद आएगी लिंक में आपको क्लिक करना है, वहाँ से जो है अपने लिए ऑर्डर करा लेना है, और माई हॉल स्टोर पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो अब तक की मेरी जितनी भी शॉपिंग है वो आपको सारी जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे पहने हुए इन प्यारे से झुमकों की। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है और ब्रांड है सुखी, और इसके जो है साथ मुझे मतलब ये मुझे चार जो है वो रिसीव हुए हैं। ये इतने सुंदर है, आप देख सकते हैं इनका जो है, एक तो मैंने पहना हुआ है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की एक खास बात ये होती है कि देखने में ये जितनी हैवी लगती है पहनने में ये उतनी ही लाइट वेट होती है। और इसको जो मैंने पहना हुआ है इसके साथ का एक झुमका ये है, तो इनको आप कुर्तियों के साथ, जैसे कि मैंने देखिए अभी कुर्ती के साथ जो इसको पहना हुआ है, साड़ी के साथ भी आप इनको पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं और बिल्कुल भी जो है हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है ये। मतलब ये इतने लाइट वेट है मैं सुबह से शाम तक इनको बहुत इजीली जो है पहन सकती हूँ। तो एक पेयर इनका ये वाला है, देखिए ये भी बहुत सुंदर है, और इसका एक पेयर है ये वाला। तो ये मतलब एक साथ मुझे चार जो है वो रिसीव हुए थे, इसमें माँ लिखा है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें माँ लिखा हुआ नज़र आएगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने पहली बार ये झुमका स्टाइल के लिए थे, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझ पर सूट करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब मैंने पहने तो सबने जितनों ने भी देखा ना सबने इनकी बड़ी तारीफें की है। और इसके साथ ही मैंने जो मंगाया है वो है एक पेयर की, मतलब ये इकट्ठे मिले हैं चारों, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको इस टाइम पर मिल जाएंगे, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। अगला जो मैं इयररिंग आपको दिखाने वाली हूँ वो ब्रांड है बेला की तरफ से, और वो बहुत ही प्यारे हैं। और ये देखिए इतने खूबसूरत इयररिंग्स हैं ना ये, और ये ना जैसे ड्रेसेस आप लोग पहनते हो वन पीस के साथ बहुत ही अच्छे जाएंगे, वैसे तो ये सूट के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी है वन पीस पहना तो उसके साथ भी बहुत ही प्यारे जाने वाले हैं। देखिए कितने सुंदर है, और शाइन देखिए आप, क्योंकि ब्रांड की ज्वेलरी है उसमें जो शाइन होती है वो अलग ही मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अगली जो चीज़ मैंने खरीदी है वो मैंने खरीदा है ये शुगर पॉप का बनाना पाउडर। ये जो मतलब दो तरीके के पाउडर होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, एक होता है ये बनाना पाउडर। तो यार मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है ये बनाना पाउडर, नॉर्मली मैं कॉम्पैक्ट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि देखिए ये देखने में इस तरीके का है, इस कलर का है, और इसके साथ आपको कुछ इस तरीके का ये मिलता है इसको अप्लाई करने के लिए। और मैं थोड़ा सा ना आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है अपने फेस पर। इसको लगाने के बाद ना एक अलग सी जो है ना शाइन आती है, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कीजिए, देखिए बहुत अच्छी सी फिनिश आ जाएगी, बहुत बढ़िया। ये देखो हल्का सा अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने, मतलब एकदम जो है ना आपके स्किन पे ना ये घुल मिल जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने फेस पे जो है बनाना पाउडर वगैरह कुछ लगाया है, लेकिन फेस पे एक अलग सा ग्लो, अलग सी शाइन ये जरूर देगा। तो अगर आप एक बढ़िया बनाना पाउडर ढूंढ रहे हैं तो ये शुगर पॉप का बनाना पाउडर बेस्ट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सारी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इनको परचेस कर सकते हैं। और अपनी अगली शॉपिंग जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है शुगर पॉप की ये
लिप लाइनर, ये मैट लिप लाइनर है। इसका एक शेड मैंने पिंक मंगवाया था और एक शेड मैंने इसका बेज मंगवाया है। ये देखिए कुछ इस तरीके का शेड है, ये बहुत लाइट है मैट फिनिश के साथ। आपको पता है कि आजकल मैट लिपस्टिक ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये मैट लिप लाइनर, क्योंकि जो मैट लिपस्टिक होती है ना वो जो होती है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस टाइम पे जो मैंने अप्लाई की हुई है वो भी मैट वाली ही लिपस्टिक है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है इस वजह से। और ये देख सकते हैं आप, ये लिप लाइनर है और वैसे ये जो है मैट फिनिश है, बट ये वेलवेटी सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप, हार्ड नहीं है। कलर इसका ये वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मंगवाई है, ये लैक्टो कैलामाइन की अंडर आई क्रीम है। आईज़ के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, मेरे भी हैं, कैमरे पे ज़्यादा दिखते नहीं है क्योंकि कैमरे पे देखिए हर फ़ोन के कैमरे पे फिल्टर ज़रूर होता है, लेकिन ये होता है कि ये क्रीम बहुत ज़रूरी होती है। अभी मैं क्या करती हूँ, डेली मेरा रूटीन है, सुबह जब मैं अपना मेकअप करती हूँ, मतलब जो भी स्किन केयर करती हूँ, सुबह और रात को मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपने आईज़ के नीचे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए पंप तो है, आपको इसको हल्का से इस तरीके से पंप करेंगे तो देखिए इस तरीके से क्रीम निकल के आएगी। और ये एप्लीकेटर देखिए इतना बढ़िया है ना, ये देखिए इतना सॉफ्ट, इससे ना एक अलग सी आँखों की एक्सरसाइज हो जाती है। आँखों के नीचे जो भी डार्क सर्कल होते हैं या फाइन लाइन्स हमारी आ जाती है, उसको ये कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये बेस्ट है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सारी शॉपिंग जो मेरी चल रही है ना वो मतलब आने वाले फेस्टिवल के लिए ही चल रही है, तो कैसी लगी आपको शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है और पता है क्या हुआ, रोज़ रोती हूँ, बारिश नहीं हो रही है। और आज मैंने इन्हें ट्यूशन भेजा और मैं सो गई, और आज इतनी मोटी बारिश हुई है ना बाहर, वो देखो अभी भी काला हो रहा है बिल्कुल मौसम। मैं तो एकदम सो के अभी उठी हूँ, मुझे मैंने देखा ये बाहर एकदम काला कैसे हो गया, जिस टाइम में मैं उठी बारिश का एंड था, लेकिन पार्क में बच्चे नहाने आ गए थे। अभी ये दोनों मुझे आके बताते कि मम्मी बारिश इतनी तेज थी ना कि मैम ने हमें घर भी नहीं भेजा। बारिश इतनी तेज थी, वंशु बोल रही मम्मी आपको पता ही नहीं है इतनी मोटी बारिश पड़ रही थी, इतनी तेज बारिश थी ना कि हमारे जो सामने वाली बिल्डिंग है ना वो दिखी नहीं। आप तो झूठ बोल रही है, सीरियसली कसम से इतनी तेज थी, सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिख रही थी। अरे यार अब तो सारी बिल्डिंग दिख रही है, कितनी तेज थी वेदू बताएगा। उधर साइड वाली जो बिल्डिंग है ना वो जो सामने दिखता है, अच्छा अच्छा वो नहीं दिख रहा, वाइट 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 हो गए थे। हाँ हो सकता है उसकी केवल आयरिश आयरिश दिख रहा था मुझे उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, चेयर ऊपर कहाँ ले जा रहे हैं इसको, मंदिर वाले रूम में चल ले जाने दे बंजी। हाँ मैंने तो अभी फिलहाल तो बारिश मैंने मिस कर दी है, बट अभी मैं बैठी हूँ इंतजार में कि एक बार और हो जाए तो मैं चाय वाय बनाती हूँ, चलते किचन में। ट्यूशन से आ गए, अब तो सोने का वैसे भी वक्त नहीं है, तो बस अभी थोड़ा सा काम वगैरह करूँगी। मुझे मार्केट भी जाना था आज, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा सा बनाऊँगी रात को, बढ़िया सी सब्ज़ी, तो देखती हूँ और थोड़ी देर में जाऊँगी, अभी तो है टाइम मार्केट जाने का। फाइनली हो गई तेज़ बारिश फिर से, अच्छा लग रहा है आज। बारिश बाद में होती है, पार्क में देखो बच्चे ले आ जाते हैं खेलने के लिए, पहले भी काफ़ी बारिश हुई है उधर ना, सारा पानी पानी हो रहा है, वरना जल्दी से पानी होता नहीं है पार्क में। ये देखिए इतना अच्छा मौसम हो गया है आज।